हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में। अल्काइल हैलाइड हम लोग कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ समझा था, केमिस्ट्री के बारे में समझा था। मेन चीज जिसमें हम लोगों ने देखा था होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस के बारे में, और साथ में हमने होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस को होमोलाइटिक रिएक्शन और होमोलाइटिक रिएक्शन एंड हेट्रोलाइटिक रिएक्शन के हिसाब से हम लोगों ने इस चीज को देखा था। हमने ये भी देखा था कि होमोलाइटिक जो रिएक्शन है वो गैसेस फेज में होता है, और जब भी होमोलाइटिक रिएक्शन होता है तो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब होमोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन का केमिस्ट्री होता है, और हेट्रोलाइटिक रिएक्शन जो होता है इवन इलेक्ट्रॉन का केमिस्ट्री होता है। तो होमोलाइसिस के दौरान न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो बनता है, जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं, और फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली हम लोगों ने हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में देखा था। ओके, और जो हेट्रोलाइटिक है इसमें आयंस बनते हैं, कैटायन और एनायंस बनते हैं। जो एनायंस होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल को सीक करेगा। सो जो हमारा अल्काइल हैलाइड है इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नाम में दिया है, ठीक है। और ये भी देखा था कि हेट्रोलाइटिक केमिस्ट्री जो है जो होगा वो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन फेज में होगा। तो इन सब बातों को हमने रिविजन किया था, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव रेट ऑफ कॉम्पीटिंग रिएक्शन, रिएक्शन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्काइल हैलाइड, और इसमें जो बेसिक है, बेसिक एक बार समझ में आ जाएगा तो ये सभी जगह हमें काम आएगा। सो जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। रिएक्शन के दौरान ऑड ओल्ड बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है और स्टेबल होता है कंपाउंड, मोटा मोटी होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक क्लोज वेसल का, सपोज एक क्लोज वेसल है जिसमें हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, या ओपन भी हो सकता है, तो इस वेसल में हमारे पास बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और एक दूसरे को ब्लाइंडली एक दूसरे को हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीटिंग के दौरान एक एटम अपना एनर्जी दूसरे एटम को ट्रांसफर करेगा, या फिर अपना एनर्जी लॉस करेगा, या फिर अपना एनर्जी गेन करेगा जब हीट करेगा ब्लाइंडली। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उस पॉसिबिलिटीज में जो हमारे काम का है, जो रिएक्शन इनफेक्टिव रिएक्शन देगा, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आज हम लोग यही देखेंगे रिलेटिव रेट ऑफ कंपीटिंग रिएक्शन में। ओके, सो रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर बिहेवियर पे। मॉलिक्यूल का किस तरह का बिहेवियर है उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ फास्ट अ मॉलिक्यूल इज मूविंग। कितना तेज ये मूव कर रहा है, जितना तेज मॉलिक्यूल मूव करेगा रिएक्शन रेट उतना ही अधिक होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हैलोजनेशन की बात करते हैं, हैलोजिनेशन में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि जो हमारा हैलोजन है वो अटैच होता है किसमें, एल्केन में। तो मिक्सचर में हमारे पास एल्केन मॉलिक्यूल है और हैलोजन है, और टेम्परेचर अगर इसमें है दिया हुआ है तो दो तीन बातें हो सकती है, ये एक दूसरे को हीट करेगा। जब एक दूसरे को हीट करेगा तो क्या क्या चीज हो सकता है ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल What happened? तो अगर हमने देखा कि हैलोजनेशन में हैलोजन एटम, अगर हमारे पास सपोज कि मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, तो हैलोजन एटम क्या करेगा, H को अटैक कर सकता है और इसे ज्वाइन हो सकता है, या फिर कार्बन को अटैक कर सकता है, इसे ज्वाइन हो सकता है, दोनों कर सकता है। लेकिन कौन सा करेगा, तो जो इजी होगा, क्योंकि कार्बन को अटैक करना बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टेट मतलब जो रिएक्शन मीडियम में इजी हुआ उस हिसाब से अटैक करेगा। तो क्या हुआ एक चीज़, ये रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। दूसरा,
वेयर इट हैपन, वेयर इट हैपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे रिएक्शन होगा, वेयर इट हैपन। सपोज रिएक्शन मिक्सचर में अगर हमने दो कंपाउंड है एल्कीन और मिथेन और सपोज इथेन और मिथेन, सपोज C2H5 है और CH4 है, तो कहाँ पे हैलोजन अटैक करेगा, मीथेन पे अटैक करेगा, इथेन पे अटैक करेगा, या फिर मीथेन पे अटैक करेगा, या फिर किस टाइप ऑफ कार्बन पे अटैक करेगा, प्राइमरी वाले कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, या सेकेंडरी वाले कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, या टर्सरी वाले कार्बन के अटैक पे, टर्सरी वाले कार्बन पे अटैक करेगा, डिपेंड करता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन सब बातों पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और फोर्स एंड लास्ट वन इज वेदर इट हैपन, वेदर इट हैपन, क्या ये होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग CH4 का ब्रोमिनेशन करते हैं तो आराम से CH4Br बन, CH3Br ब्रोमिनेशन हो जाता है, लेकिन अगर हम CH4 में आयोडोनेशन करते हैं तो ये आयोडोनेशन नहीं होता है, ठीक है। रीजन क्यों नहीं होता है कि जो आयोडीन जो फ्री रेडिकल बनेगा ये दूसरे आयोडीन के फ्री रेडिकल से तुरंत ही साझा कर लेगा, तुरंत ही फॉर्म बना लेगा, तो ये नहीं बन सकता है। तो क्या होगा या नहीं होगा, कहाँ पे होगा, क्या होगा, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। सो जो केमिकल रिएक्शन है बेसिकली एक रेस है, एक कॉम्पिटिशन है, अलग अलग जो जितना फास्ट जाएगा, जो मॉलिक्यूल जितना फास्ट आएगा उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिलेटिवली कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक एनर्जी हिल बनाया, इस पोजीशन पे ये बार बार आएगा, इस पोजीशन पे हमारा रिएक्टेंट है और इस पोजीशन पे हमारा प्रोडक्ट है, ओके, और जो और यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में रिएक्शन मिक्सचर होगा, और जो हाई हिल है यहाँ से इस हाई हिल को, ये एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी है और ये टाइम है, ठीक है, टाइम है, तो इस जब तक ये हाई एनर्जी हिल को ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस हाई हिल, मतलब हाई हिल को हम क्या कहेंगे अभी बताते हैं। सो ये जो एनर्जी है इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पेसीज आपको देखने को मिलेगा, ये स्पेसीज जो होगा हमारा, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। सिंपल सा हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो जितना एनर्जी एक्टिवेशन अधिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, अगर जितना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा। सो जब कभी भी रिएक्शन मीडियम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो वो सबसे ईजिएस्ट पाथ लेते हैं, और वो जो ईजिएस्ट पाथ होगा वो वाला होगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम देखेंगे कि किस हिसाब किस तरह से, अच्छा ये जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन है फास्ट होगा या स्लो होगा वो डिपेंड करेगा ट्रांजिशन स्टेट वाले एंटिटी पे। तो ये एक मेंटली हम लोग मेंटली इमेजिन करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या हो सकता है, वो सारे फैक्टर जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को भी वो बढ़ाएंगे। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के दौरान एक स्टेट है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। साथ में स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो है निर्भर करता है किस चीज़ पे, मॉलिक्यूलर बिहेवियर पे, कि कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में भाग ले रहा है। जनरली जो फैक्टर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा वही फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा रिएक्शन के बारे में। आगे आने वाले टॉपिक में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को देखेंगे। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दो तरह के रिएक्शन होते हैं,
SN1 और SN2 जो कि इनगोल्ड ने इसका नोमेनक्लेचर इनगोल्ड ने किया था। साथ में अलग अलग कंपटीशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, तो ये सारे चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने छोटा सा चीज़ देखा था कि क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा तो कहाँ होगा और क्या होगा रिएक्शन में, ये तीन तीन बातों पे निर्भर करता है। वीडियो आज का छोटा है बट आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर द फंक्शनल ग्रुप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर द फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड का चैप्टर, कैसे बनाते हैं, रिएक्शन क्या होगा, अल्काइल हैलाइड का कौन कौन सा फैक्टर रिएक्शन में काम करेगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी चीज को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।